हेलो गाइस, मैं सफर आज आपके लिए लेके आ चुका हूँ भाई एक और नई वीडियो जो कि रहने वाली है अपनी किस गाड़ी पे स्विफ्ट पे भाई। स्विफ्ट पे तो भाई की स्विफ्ट है भाई, भाई लेके आया था। कौन सा मॉडल खरीदा तुमने? एलेक्स भाई ने खरीदा है। बिल्कुल भाई, टॉप लेवल पे पहुंचा दिया भाई ने। ठीक है भाई, टॉप वाला काम उसके अंदर हो रहा है सारा का सारा। पूरा मतलब अलग से इसे पूरा झटक से प्लस वाला है। बिल्कुल भाई ने पूरा दिल खुश होकर बोला कि भाई बस लगा दो उसके अंदर, बाहर जितना लगा सकते हो लगा दो। और अलॉय कितने इंची के होंगे भाई? अलॉय हमारे 17 इंची के, 17 इंची के अलॉय है। तो भाई पहले वीडियो एंजॉय करो और चैनल पर देना सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। और देना बिल्कुल भाई लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना भाई। प्रेजेंटिंग यू 2022 का जनवरी का मॉडल अपना स्विफ्ट का भाई। इस गाड़ी के अंदर कर रहे हैं पूरा का पूरा एंड लेवल वाला फिर से काम, यानी कि एलेक्साई टू ZXI प्लस वाला काम इसके अंदर होने वाला। अभी चल रही है यहाँ पे थोड़ा टायर वगैरह की बात, इसकी अलॉय व्हील वगैरह की बात। तो अभी थोड़ा सा यहाँ से देख सकते हो भाई, एक ये वाला डिजाइन है और एक ये वाला डिजाइन है भाई। तो अभी इसके अंदर डिसाइड चल रहा है कि कौन सा वाला इसमें लगेगा। ये लगाते हैं कि ब्लैक लगाते हैं, बाकी जो अलॉय है अपना ये वाला X2 का अलॉय है और ये वाला भाई अपना होने वाला प्लाटी का। ठीक है भाई, तो एक बार कर लेते हैं चूज पहले इनमें दोनों में से कौन सा भैया चूज करते हैं, उसके बाद भाई दिखाता हूँ लगने के बाद क्या रिस्पॉन्स रहेगा। बाकी टायर तो आप देख ही रहे हो कितना बढ़िया है, और ये टायर अभी फिलहाल के लिए जा रहा है, देखते हैं कौन सा इसमें चूज होता है, कौन सा अच्छा लगेगा। बाकी आप लोग भी कमेंट करके बता देना भाई कि इसके अंदर जो फील आ रहा है वो कौन से वाले में अच्छा आएगा, यानी कि सिल्वर वाले में अच्छा आएगा या ब्लैक वाले में आएगा। बाकी तो आपको काम पता ही भाई, इसके अंदर हेडलाइट वगैरह टेल लाइट वगैरह पूरा काम एंड लेवल का इस गाड़ी के अंदर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, जो उसका मिरर है ऑटो फोल्ड वाला मिरर अपना लग चुका है, इसकी फायरिंग वगैरह काम चल रहा है। उसके साथ इंटरलॉकिंग जो है वो अपनी लगेगी भाई इसके अंदर RD की, और यहाँ पर अंदर की साइड में डैम्पिंग भी कर दी है भाई। तो ये कुछ डैम्पिंग अपनी हो चुकी है, जब पूरा गेट बाहर से भी सारा काम होने के बाद पूरा पैक कर देंगे डैम्पिंग को। यहाँ पे सिस्टम वगैरह मीटर वगैरह सब कुछ एंड लेवल का इसके अंदर होने के बाद भाई, पहले थोड़ा सा काम होने देते हैं उसके बाद दिखाता हूँ भाई स्पीकर वगैरह का, कौन से स्पीकर हम चूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे इसका सारा सामान वगैरह सब कुछ खिला हुआ है, और यहाँ चल रही है बाहर से डैम्पिंग। तो भाई यहाँ से बाहर की डैम्पिंग चल रही है, अंदर की हो चुकी है। यहाँ का सारा काम जो है पावर विंडो का और हमारा सेंटर लॉकिंग का वो काम हो चुका है। और इसके बाद भाई ये काम, ये वाला भाई डॉक्टर RTX करके अपनी एक डैम्पिंग है जो कि काफ़ी अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी है। ये अपन लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं जो कि भाई मतलब साउंड प्रूफ एकदम जो गाड़ी को कर देती है, और जो साउंड निकल के आती है भाई वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। टायर की तरफ थोड़ी सी नज़र डालते हैं तो यहाँ डला हुआ है कंपनी का स्टॉक टायर, तो भाई ये देख लो भी कितना दिख रहा है। और यहाँ डला हुआ है हमारा जो आफ्टर मार्केट होता था भाई, देखो लग रहा ना कुछ मतलब अलग ही चीज़ लग रही है, कुछ अलग ही फील आ रहा है दोनों तरफ से देख सकते हो आप भाई। ये देखो तो मतलब भाई आफ्टर मार्केट टायर लगने के बाद आप जब अलॉय वलॉय लगवाते हो तो एक नंबर बातचीत गाड़ी है। जो प्रोडक्ट अपन यूज़ कर रहे हैं वो सारे के सारे यूज़ कर रहे हैं मारुति जेन्युइन वाले प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, ये अपने डैशबोर्ड की पट्टी है जो AC के ऊपर लगती है। ठीक है, ये वाला अपना कुछ इसका हैंडल वाला बटन जो अपना यहाँ पे रहता है, फॉग लाइट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपनी है मारुति जेन्युइन, सारे के सारे प्रोडक्ट जो हम गाड़ी में यूज़ कर रहे हैं मारुति जेन्युइन MGP जिसे बोलते हैं ना। कुछ लोग बोल रहे थे भाई कमेंट करके कि MGP बोलो, तो भाई गाड़ी के जो डोर पैनल है वो डोर पैनल हमने सारे निकाल दिए हैं, जैसे डैम्पिंग वगैरह सब कुछ फिट हो जाएगी। उसके बाद भाई ये रखे इसके ब्रांड न्यू डोर पैनल जो कि भाई अपने मारुति जेन्युइन जो होते हैं अपना MGP वाले भाई हैं, इसके पुराने वाले डोर पैनल कुछ ये वाले हैं भाई। तो गाड़ी का भी नंबर भी नहीं है, गाड़ी बिल्कुल ब्रांड न्यू है, स्टैंपर बिल्कुल टॉप मॉडल बनाने के लिए अपने पास आ रखी है। तो इस तरह की गाड़ियाँ अपने पास भाई बहुत दूर दूर से आती हैं। ये वाली जो गाड़ी है वो हरियाणा फरीदाबाद से आ रखी है जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा मतलब LXI से ZXI वाला जो सीन है वो हो जाएगा। स्टैंपर पीछे देख सकते हो गाड़ी के अंदर जो भी काम है स्टैंपर सब खुला हुआ है। एक बार पैक होने के बाद देखूंगा भाई गाड़ी के अंदर आपको एक भी चीज़ नज़र नहीं आने वाली, कोई वायर नहीं नज़र आएगी, सारा काम जो रहेगा वो अपना कपलर। साइड की बात करें तो गाड़ी बिल्कुल नॉर्मल है, बट भाई के पास ये शायद इंक्लोजर उनके पास पहले से था। इसको भी हम चालू करेंगे, इसकी भी साउंड आपको चेकआउट कराऊंगा भाई कि इसकी जो साउंड है कितनी है। पाइनर का बेसिकली वो वूफर लगा हुआ है, इस वाली साइड में कुछ नहीं देखते, इसके अंदर खाली रहेगा या चेंज होगा क्या चीज़ होगा अभी इसके ऊपर बात नहीं चल रही है, अभी चल रही है सिर्फ गाड़ी की मॉडिफिकेशन को लेकर। बाकी एम्पलीफायर हम इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं, ये मिशिगन वाला जो लगेगा ये वाला एम्पलीफायर भाई इसके अंदर डालेंगे हम। और ये कुछ इसकी हेडलाइट है भाई जो अभी चेंज होकर कौन सी रहेगी, टॉप मॉडल वाली लगाते हैं या फिर हम आफ्टर मार्केट लगाते हैं भाई, अभी सारा कुछ आपको इस वीडियो में देखने के लिए। भाई यहाँ पर आपकी जो गाड़ी है स्विफ्ट भाई पूरी की पूरी मॉडिफाइड हो चुकी है, जो कि भाई 2022 का जनवरी का एंड का मॉडल था। तो यहाँ पर दो स्विफ्ट अपने पास मॉडिफाई हो रही है, एक यहाँ पर हो रही थी और एक अपनी वहाँ पीछे आपको डिग्गी बोनट खुला हुआ दिख रहा होगा, तो भाई वो कंप्लीट अभी नहीं हुई है। तो भाई इन दोनों को मैं साथ में रखना चाहता था बट नहीं कर पाया, कोई बात नहीं उसकी वीडियो अलग से निकाल दूंगा। बाकी दोनों में क्या क्या था वो भी कंपेरिजन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है भाई
हेडलाइट जो कि भाई टॉप मॉडल वाली जैसी नहीं है, यानी कि थोड़ा सी इसमें अलग है, कुछ ना कुछ इसके अंदर अलग डाला जाता है। आफ्टर मार्केट में हमेशा चीज़ आपको अलग देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर आपको मिलते हैं इसके अंदर दो लाइटें, यानी कि हाई के लिए और लो के लिए दोनों अलग मिलती है। टॉप मॉडल में क्या होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल वाली मिलती है, यानी कि आपको एक प्रोजेक्टर मिलता है। यहाँ पर आपको हाई के लिए अलग मिला है, उस लो के लिए अलग मिला हुआ है। बाकी आपका DRL जो है पूरा वर्किंग में रहता है, और उसके साथ साथ भाई ये वाला जो भी पूरा आपका DRL वर्क करता है। तो भाई कैसे करता है वो भी आपको बताऊंगा इसके बाद। भाई नीचे हमने लगाए इसमें IPS के प्रोजेक्टर, और भाई गाड़ी अपनी हो गई आगे से पूरी की पूरी मॉडिफाइड। तो एक बार भाई इसकी लाइटें ऑन करके दिखा दो क्या क्या रहता है। एक बार कहना आपके सामने दोनों की दोनों हेडलाइट और इसकी फॉग लाइट जो हमने लगाई IPS की, दोनों की दोनों आप देख सकते हो भाई चालू कर दिया। पास से थोड़ा दिखाता हूँ ताकि आपको इसके जो DRL है उसका विजन भी आपको दिख जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई जो इसका DRL का विजन है, यहाँ पे भाई लाइट एकदम क्लियर है, बस थोड़ी सी डस्ट हो गई क्योंकि काफ़ी टाइम से गाड़ी आती है अपने पास, थोड़ी सी डस्ट वगैरह हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा नीट एंड क्लीन है। यहाँ पर दो DRL आपको मिल जाते हैं, प्लस आपका इंडिकेटर पर आपने देख लिया कैसे वर्किंग रहता है। यहाँ पर हाई लो का ऑप्शन आपको मिल जाता है, एक बार हाई लो करके दिखा दियो भाई। तो हाई में क्या अभी ये सिस्टम लो का चल रहा है ओनली। यहाँ पे हमने HID डाली है, हमने LED डाली जो कि हमारी 150 वॉट की LED है। तो भाई ये देख सकते हो आप हाई कैसे जा रही है। रोड पे रिस्पांस भी दिखाऊंगा भाई, पहले आप आगे से चेकआउट कर लो। नीचे भी आपको IPS में भी हाई लो होता है वो नज़र आ जाएगा, ठीक है भाई। इसके बाद बात करते हैं रोड के रिस्पांस की। तो भाई रोड पर कुछ हमारा जो रिस्पांस है वैसा, एक बार लाइट बंद करते पूरी। तो भाई ये अपना सब कुछ बंद है और पूरा अंधेरा, देख लो भाई कहाँ तक लाइट आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रही है। बट यहाँ पर अगर अभी हम ऑन करेंगे तो ये अपना हो चुका है भाई, इसका जो IPS वाला प्रोजेक्टर है सिर्फ उसका विजन आपको देखने को मिल रहा है, जो कि भाई देखो कहाँ तक जा रहा है, वो लाइट तक जा रहा है बिल्कुल, क्योंकि नीचे से थ्रो मार रहा है बिल्कुल आगे तक। अब इसकी हेडलाइट ऑन करना भाई, तो हेडलाइट भी अपनी ऑन हो चुकी है, लेकिन अभी स्टिल अपना जो LED है वो ऑन नहीं कर रहा, हमने हाई बीम ऑन नहीं किया। तो यहाँ पर देख लो भाई, एक बार लाइट बंद करना, ये देखो ये अपना IPS ऑन हो गया, ये अपनी हेडलाइट ऑन हो गई, ठीक है भाई। और इसके बाद अगर मैं डिप कर दूंगा ना, ये देखो हाई लो, ये अपनी हेडलाइट ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है। और अगर मैं इसको हाई कर दूंगा तो, ठीक है भाई, तो ये अपना पूरा रिस्पॉन्स है इन हेडलाइट्स का, जो कि भाई मतलब बोलते हैं एंड तक चले जाना, रोड पर दिन निकाल देना। तो भाई कुछ ये लाइट हैं जो कि भाई रोड पर दिन निकाल देती है। इसके बाद भाई बात करते हैं साइड मिरर की। तो यहाँ पे आप साइड मिरर देख सकते हो भाई, जो कि नॉर्मल आता है पूरा का पूरा वाइट में आता है, बट यहाँ पर आप इसको या तो पेंट करा सकते हो, कवर करा सकते हो, या फिर इस तरीके से डिप भी करा सकते हो। तो ये भाई हाइड्रो ड्रिप है पूरा पूरा अपना, जो कि कार्बन फाइबर में ड्रिप था। और एक बार भाई बात कर लेते हैं अलॉय की भी। भाई ने इसके अंदर ना कुछ चमकीले वाला सीन नहीं लगाया, बट गाड़ी को बिल्कुल सिंपल रखा, लेकिन गाड़ी की जो जान है वो अलॉय लगते के साथ ही गाड़ी में जान आ जाती है। तो भाई ये हैं अपने 17 इंच के अलॉय, जो कि भाई पलाते के अलॉय हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। एक बार भाई देख लो, टायर भी देख लो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा भी है, ठीक है। 17 इंच के अलॉय में गाड़ी की जो लुक होती है भाई वो एकदम मतलब पूरी की पूरी बदल जाती है। बात करते हैं भाई इसके बारे में और। तो यहाँ पर भाई ने इसके जो क्रोम होता है भाई, क्रोम हैंडल, तो ये चीज़ अपन ने इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया है। तो भाई यहाँ पर आपने हैंडल क्रोम देख ही लिया है, जो कि भाई हम हमेशा से गैलियो कंपनी का काफ़ी अच्छी लीक का होता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहता है, यानी कि आपको रस्ट फ्री रहता है। इसके बाद भाई जो अपना डोर है, जो पैनल होता है भाई, डोर पैनल टॉप मॉडल वाला रहता है पूरा का पूरा। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको वर्किंग मोड में हमारी तरफ से मिलती है, पूरा पूरा MGP वाला मारुति जेन्युइन वाला प्रोडक्ट है जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। हम लोग यानी कि जो मनीष भी हैं वो यूज़ करते हैं। मैं ज़्यादातर शॉप बनाता हूँ तो यार हम बोल देता हूँ, उसके लिए माइंड मत करना, शॉप मेरी नहीं है, शॉप मनीष भी है। बट यहाँ पे है कि माही कार जो काम करके देता है वो एक नंबर का देता है। टॉप मॉडल का मीटर भैया ने अभी नहीं लगवाया, कह रहे कुछ दिन बाद आएंगे वो लगवा लेंगे। भाई से ही मिलाऊंगा कि भाई भाई कैसे आया, कैसे शॉप देखी, क्या सीन था। यहाँ पर आपको भाई पूरा का पूरा 10 इंची का प्लेयर मिल रहा होगा देखने के लिए, पहले 9 चलते थे, यहाँ पे आपको 10 इंची का मिल रहा होगा। इसकी साउंड भी सुनाऊंगा, और सबसे बड़ी बात भाई इसका अलॉय और इसकी बेस दोनों ही एक नंबर है। चलते हैं भाई बैक साइड, बैक वाला डोर पैनल जो कि भाई पूरा का पूरा, ये भी आपको टॉप मॉडल। कुछ लोग कहते हैं कि भाई टॉप मॉडल से क्या होता है, टॉप मॉडल से होता है आपको कम्फर्ट मिल जाता है, बाकी जो गाड़ी का इंटीरियर पूरा का पूरा वो भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आपके लिए ये चीज़ भी अवेलेबल है, अगर आप ये चीज़ भी चेंज कराना चाहते हो ब्लैक से क्रोम वाला, पूरा का पूरा ये वाला पैनल भी अपने पास अवेलेबल है भाई बैक साइड की। तो बैक साइड में आपको मिनी कूपर की जो आफ्टर मार्केट टेल लाइट आती है वो देखने के लिए मिल रही होगी। तो भाई इस टेल लाइट में ये है कि काफ़ी ज़्यादा जो गाड़ी की लुक है वो बहुत ज़्यादा इनहेंस हो जाती है, यानी कि कंपनी की लाइट से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिल जाता है। पूरी की पूरी जो लाइट होती है वो LED वर्जन होती है, यानी कि LED में पूरा का पूरा वर्क करता है। यहाँ पे एक बार मैं इंडिकेटर और बैक गियर भी डाल के दिखाता हूँ भाई, पूरा का पूरा जो मिनी कूपर में जो सीन रहता है, जैसे आपको रिवर्स वाला सीन यहाँ पे मिलता है और बाकी इंडिकेटर का यहाँ मिलता है, ब्रेक का यहाँ मिलता है, तो वही सीन इसके अंदर रहता है। एक बार भाई इसको ऑन करके भी दिखा देख सकते हो, रिवर्स वाला मोड और ब्रेक वाला मोड। जब ब्रेक दबाएंगे तो भाई अपना UI लाइट भी चल जाएगी, इंडिकेटर वाला मोड, रिवर्स वाला मोड और आपका पार्किंग मोड, सारे मोड इस टाइम पर ऑन है सिवाय एक ब्रेक वाले मोड को छोड़ के। बट यहाँ पे
हमने जो यूज़ किया भाई कैमरे का जो हमने ऑप्शन दिया वो यहाँ पे दिया, क्योंकि यही एक विज़न है जो कि गाड़ी की काफ़ी पीछे अच्छा दिखा देता है। तो यहाँ पे अभी इसका जो पीछे वाला कैमरा पूरा पूरा चालू भी आपको दिख रहा होगा यहाँ से अंदर से। भाई गाड़ी में कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ी गई है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मसला करा गया है। और इस मसले की बात करूँ तो भाई यहाँ से आप जज कर सकते हो गाड़ी कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है, कितनी ज़्यादा लुक जो गाड़ी की वो इनहेंस हो गई है सिर्फ इन अलॉय की वजह से और इस लाइट की वजह से, हेडलाइट की वजह से। बाकी इस गाड़ी के अंदर जो काम हुआ था भाई सारा का सारा नॉर्मल काम है, इंटीरियर में ज़्यादा काम नहीं है क्योंकि गाड़ी अपने पास दुबारा है। यहाँ पे इसकी साउंड की तो साउंड जो है वो भाई गाड़ी का बहुत ज़्यादा बढ़िया है। बेस जो लगा वो पाइनर का, इसके अंदर पूरे वूफर लगे हैं, अभी आपको वो भी चेकआउट करूँगा। एक बार ये अपनी ऐड खत्म हो जाए उसके बाद भाई दिखाता हूँ मैं सब कुछ, अपना ही बोलता हूँ ना, ये अपनी ये ऐड भी अपनी है क्योंकि भाई अपने को यही देता है तो ये ऐड भी अपनी है। तो भाई यहाँ पे आप सुनो, आप बताना भाई कैसा लग रहा है। आवाज़ आप लोग देख ही चुके हो कितनी ज़्यादा तेज़ है, कितनी लाउड है। दो वूफर लगे हैं इसके साथ, इसके अंदर मैंने आपको एम्पलीफायर दिखाया था मिशिगन का, इसके अंदर एम्पलीफायर लगा है 1500.1 वाला जिससे दोनों वूफर वर्क कर रहे हैं। बाकी चारों गेटों के अंदर फोकल के कंपोनेंट, फोकल के कोएक्सियल स्पीकर लगे हैं जिसकी ये साउंड सारी आ रही है। बाकी भाई इंटीरियर के अंदर अभी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, दोबारा ये गाड़ी इंटीरियर के लिए होके आएगी जब इसका मीटर वगैरह सब कुछ चेंज करेंगे। बट अभी जो काम हो चुका है भाई अंदर से भी आप लाइटें देख सकते हो, जो अंदर की लाइटें भाई कितनी ज़्यादा तेज़ है, कितनी ज़्यादा ब्राइट है। यहाँ पर जब HID ऑन कर देते हैं तो मज़ा अलग ही आया था। ये देखो भाई रिस्पॉन्स चेकआउट करो आप, रोड पे मतलब पूरा दिन जिसे बोलते हैं वो निकाल दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा अंधेरा है और आपको लास्ट तक का सब कुछ नजर आ रहा होगा। इस टाइम पर काफी ज्यादा बढ़िया सीन आपको देखने को मिल जाएगा। देखो भाई यह है सिर्फ IPS प्रोजेक्टर का कमाल, जिसको आप बिना हेडलाइट ऑन करे भी चल सकते हो इतने में। मेरे हिसाब से आप लोग चल सकते हो, अगर इससे ज़्यादा चाहिए तो ऑन कर लो लाइटें अपनी, जो कि थोड़ी देर में और ज़्यादा ब्राइट अप हो जाएंगी जब इसकी HID जो लगी हुई है, और जब मैं डिपर मारूंगा तो भाई ये पूरी आंखों पे आपको रिस्पॉन्स। तो भाई यहाँ पे जो लगी है वो RD की सेंटर लॉकिंग लगी है। तो भाई ये दोनों मतलब क्या दो रिमोट प्लस होते हैं और यहाँ पे आपको एक और बन जाता है अगर आप लगवाना चाहते हो, यानी कि ये जो रिमोट है भाई इसका RD का है तो इसमें आपको फ्लिप की वाला ही वर्जन मिल जाता है। तो एक इसके बाद एक और रिमोट आएगा, नॉर्मल वाली में आप अगर फ्लिप की अलग से बनवाते तो वहाँ पे आपको दो रिमोट मिल जाते हैं, बट यहाँ पर आपके लिए एक रिमोट ये और एक आपका नॉर्मल रिमोट रहता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और एक बार में काम भी बढ़िया करता है। देखो ये हो गया आपका ऑन एक बार में, और गाड़ी भी हमारी जो है वो एक बार में ऑन दे देगी। अब चलते हैं भाई सीधा लेके बाइक की तरफ, जिनकी गाड़ी होने वाली है वो उसका रिस्पॉन्स बताएंगे भाई, रिव्यू देंगे थोड़ा सा कि भाई गाड़ी जो लग रही है वो कैसी लग रही है, उनका जो खर्चा हुआ है भाई वो वर्थ था या नहीं था, जो भी सीन था। चलते हैं भाई। तो भाई यहाँ पर हो चुका अपने स्विफ्ट का सारा काम और भाई लोग मेरे साथ है जिनकी एक गाड़ी थी। भाई गाड़ी किसकी थी पहले बता दो। भाई गौरव भाई की गाड़ी थी और ये भाई भी पिछली बार जो मॉडिफाई करा के ले गए थे सेम कलर की गाड़ी। सेम कलर। तो भाई पहले तो अपना नाम शेयर कर दो भाई, आपका नाम क्या है? भाई मेरा नाम भरत वत्स है। भरत वत्स। भाई पवन कौशिक। भाई भाई गौरव त्यागी। भाई तो भाई गौरव त्यागी भाई भाई सुबह से भाई अल्लाह काट रखा भाई ने, काम कैसा होगा हम बताओ, आप तुम बताओगे भाई काम कैसा होगा क्योंकि तुम करा चुके हो। नहीं भाई पहले भी हमने काम कराया, तुम्हारा जो लास्ट टाइम एक्सपीरियंस था वो भी बहुत अच्छा था और अब काम कराया अभी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। अभी एक्सपीरियंस मतलब अभी बताओ 17 इंच के अलॉय चलेंगे नहीं चलेंगे स्विफ्ट के अंदर? नहीं भाई चलेंगे भाई, यूज कर रहे हैं, यूज कर रहा हूँ भाई मैं खुद अपनी गाड़ी में, सही परफॉर्मेंस है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लाइटें वाइटों के मामले भाई तुम बताओ क्या? भाई लाइट एक नंबर है। रोड पे लाइट कैसी आ रही है? रोड भाई एकदम दिन का देखा था जो वीडियो वगैरह देख के आए थे अभी, उसकी वीडियो देखी थी और भाई ने बताया ना माई कार, तो माई कार भाई ऑलरेडी काम करा के भाई ये था सारा इस गाड़ी के लिए रिव्यू, क्योंकि भाई बहुत अच्छा, भाई का एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहा और आई होप कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़िया वर्किंग मोड में रहने वाली है, सब बढ़िया चलने वाला है। भाई कोई ऐसा तो नहीं है कि आगे चले कोई खराब हो गया है? भाई एक साल पहले आप करा के ले गए थे, ठीक है भाई एक साल पहले करा के ले गए थे, लेकिन अभी तक जो है वो काम एकदम एंड लेवल का बढ़िया अभी तक चल रहा है और इस गाड़ी में भी इस तरीके से चलता रहेगा। तो फिलहाल के लिए वीडियो करते हैं यहाँ पे एंड, अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई क्या करना है? भाई की वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना भाई।
भाई कह रहा कर देना बस, ठीक है भाई इतनी बात सब्सक्राइब कर देना, शेयर करो भाई ज्यादा से ज्यादा। अब खत्म कर दो वीडियो को बस, ठीक है भाई, जय हिंद जय भारत।